स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ DSBM के टॉप 30 क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन और हमारा देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है जाकर के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूड। देखिए जो फाइनेंस के सोर्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से सोर्स होते हैं, जैसे शेयर्स हैं, लोन हैं, डेप्टर्स हैं या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, शेयर्स हैं, लोन हैं, डेप्टर्स हैं या ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी जो फाइनेंस के सोर्स हैं वो सारे के सारे, ये सारे के सारे सोर्स जो है फाइनेंस के हैं, शेयर्स, लोन, डेप्टर्स। ठीक है, ये सारे जो है सोर्स फाइनेंस के होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे चलेंगे, विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए आप सभी लोग। विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, क्रेडिटिंग, स्टाफिंग। देखिए तो इसमें जो राइट आंसर होगा जाकर के आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, क्रेडिटिंग, स्टाफिंग। तो द राइट आंसर इज क्रेडिटिंग। क्रेडिटिंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फंक्शन क्रेडिटिंग नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग। ठीक है, ये सारे के सारे आपके होते हैं, क्रेडिटिंग नहीं होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होगा जाकर के, क्रेडिट, रेसिड्यू, कंट्रोल या मैनेजमेंट। देखिए एक तरीके से सिनोनियम्स पूछ लिया गया है, तो स्क्रैप का जो सिनोनियम्स होगा वो होगा रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ, जो बचा खुचा होता है किसी भी बड़े अमाउंट का, जो छोटा सा अमाउंट उसको कहते हैं बचा हुआ, वो होता है रेसिड्यू। छोटा बहुत जो अमाउंट बच जाता है उसको कहते हैं रेसिड्यू। क्वेश्चन नंबर फोर पे चलेंगे, द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ होलसेल ड्रग स्टोर इस। देखिए होलसेल ड्रग स्टोर अगर आपको ओपन करना है तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट होगी, क्या जगह, कितनी जगह होनी चाहिए आपके पास, 80 से 100 स्क्वायर फिट, 180 से 200 स्क्वायर फिट, 230 से 250 स्क्वायर फिट या 50 से 70 स्क्वायर फिट। स्क्वायर फिट में दिया गया है आपको, और आपको अगर मीटर में चेंज करना है तो 10 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू आपका होगा जाकर के अप्रॉक्सीमेटली 180 टू 200 स्क्वायर फिट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर मीटर में अगर आपको बताना है, आंसर देना होगा तो आप कहेंगे 10 स्क्वायर मीटर, और अगर आपको फिट में आंसर देना है तो आपको बताना है 180 से 200 स्क्वायर फिट के बीच में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ, कॉमर्स इज़ अ टर्म इन्वॉल्व विद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्निंग प्रॉफिट होगा, कॉमर्स का मतलब क्या होगा जाकर, कॉमर्स एक ऐसा टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए, अर्निंग प्रॉफिट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मैनेजिंग वर्क या प्रोवाइडिंग फाइनेंस। द राइट आंसर इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, किसी भी सामान को खरीदना या बेचना ही कहलाता है कॉमर्स। कॉमर्स इज अ टर्म इन्वॉल्व विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलेंगे, विच वन इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा एक फॉर्म जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, कंपनी फॉर्म, कोऑपरेटिव फॉर्म, पब्लिक फॉर्म या ट्रेड फॉर्म। द राइट आंसर इज ट्रेड फॉर्म। विच वन इज नॉट द फॉर्म, फॉर्म का मतलब प्रकार, इसमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रकार नहीं है वो है ट्रेड फॉर्म। ट्रेड फॉर्म इज नॉट द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंपनी फॉर्म होता है, कोऑपरेटिव फॉर्म होता है, पब्लिक फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलेंगे, ड्रग स्टोर शुड बी लोकेटेड एट। देखिए जो ड्रग स्टोर होना चाहिए आपका वो कहाँ पे होना चाहिए, रेड लाइट एरिया में, मतलब वही है एरिया की बात हो रही है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया में, डेवलपिंग एरिया में या बोथ बी एंड सी। तो द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी। देखिए या तो डेवलपिंग एरिया होना चाहिए या थिकली पॉपुलेटेड एरिया होना चाहिए, यानी काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया होना चाहिए, घना होना चाहिए एरिया, आप समझ रहे हैं ना, घना डेंसर एरिया होना चाहिए। तो ड्रग स्टोर शुड बी लोकेटेड एट, या तो एरिया डेवलपिंग हो जहाँ पे डेवलप हो रहा हो, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए कि डेवलप्ड होना चाहिए, यानी थिकली पॉपुलेटेड एरिया होना चाहिए एक तरीके से, जहाँ पे काफ़ी जनसंख्या जो है रहती हो, तभी तो आपका चलेगा ना, या आप लोगों की पहुँच में हो पाएंगे, मेडिसिन आप जो है लोगों तक पहुँचा पाएंगे। ओपन टेंडर मीन्स, ओपन टेंडर का मतलब क्या होता है जाकर के, मेजर टेंडर, मॉडरेट टेंडर, माइनर टेंडर या नन। द राइट आंसर इज मेजर टेंडर। तो ओपन टेंडर का मतलब क्या हो गया जाकर के, मेजर टेंडर। ओपन टेंडर का मतलब हो गया जाकर के मेजर टेंडर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, ABC स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPNHM में काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ABC का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ऑलवेज बेटर कॉस्ट। द राइट आंसर इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल। देखिए दोस्तों होता क्या है, जो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं पहले उनको कवर कर लेना चाहिए, तो इनमें सारे आपके बेसिक क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहने वाला है ये वीडियो, और
अगर आप जो है काफ़ी ओल्ड स्टूडेंट हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर नए मिलेंगे। लीड टाइम मीन्स टाइम, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका ESIC फार्मासिस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीड टाइम किसको कहा जाता है? फ्रॉम गिविंग टू रिसीविंग ऑर्डर, मतलब जिस दिन से आपने ऑर्डर दिया और जिस दिन आपने रिसीव किया, इस बीच के समय को कहा जाता है लीड टाइम। या फ्रॉम रिसीविंग ऑर्डर टू पेमेंट, यानी जब आपने फ्रॉम रिसीविंग ऑर्डर, आपने ऑर्डर रिसीव किया टू पेमेंट, यानी उसके बाद पेमेंट किया, ठीक है। फिर आ जाएगा फॉर मैनेजिंग थिंग्स, यानी चीज़ों को मैनेज करना। या फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेल, यानी प्रोडक्शन से लेकर के सेल तक के लिए, ठीक है। तो द राइट आंसर इज फॉर फ्रॉम गिविंग टू रिसीविंग ऑर्डर, यानी आज आपने ऑर्डर दिया और 10 दिन के बाद आपने रिसीव किया, तो इस बीच के टाइम को कहा जाता है लीड टाइम्स, ठीक है। तो लीड टाइम मीन्स टाइम फ्रॉम गिविंग टू रिसीविंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। एडवर्टाइजिंग इज फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रमोशन, देखिए आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज विच टाइप ऑफ सेल्फ प्रमोशन। तो एक फॉर्म होता है, एक प्रकार होता है सेल्फ प्रमोशन का, तो किस तरीके का होता है? प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, या आपके सामने नॉन पेड या पेड, चार ऑप्शन है, प्राइवेट, पब्लिक, नॉन पेड या पेड। तो एडवर्टाइजिंग किस तरीके का सेल्फ प्रमोशन होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एडवर्टाइज आपको कराना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजिंग इज़ द पेड फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग जो है एक आपका पेड फॉर्म हो गया जा करके सेल्फ प्रमोशन का। तो एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है कम्युनिकेशन का? एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग या प्राइस, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कंपोनेंट जो नहीं होगा वो होगा प्राइस। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा? कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से जो है आपको मिल करके बातचीत करना, या बातचीत करने को ही कहते हैं हम लोग कम्युनिकेट होना, ठीक है। तो एक दूसरे से जुड़ना, तो एडवर्टाइजिंग में आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, पब्लिसिटी में भी जुड़ते हैं, पर्सनल सेलिंग में भी जुड़ते हैं, लेकिन प्राइस क्या होता है? वॉट इज़ द प्राइस? प्राइस का मतलब कीमत, ठीक है। दैट इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। रिक्रूटमेंट मीन्स, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होगा जाकर के? सिलेक्शन ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का सिलेक्शन हो जाना रिक्रूटमेंट कहलाता है। या कलेक्टिंग एन एप्लीकेशन पोल, यानी बहुत सारे आवेदनों को इकट्ठा करना, ये रिक्रूटमेंट होता है। या प्रोवाइडिंग द जॉब स्पेसिफिकेशन, या प्रोवाइडिंग द जॉब का मतलब जिस जॉब के लिए आपने जो है बुलाया है वो जॉब दे देना, ये होता है रिक्रूटमेंट। या होता है प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्किल, या जो क्वालिटी सर्किल है वो प्रोवाइड कराना। तो द राइट आंसर इज कलेक्टिंग एन एप्लीकेशन पूल। देखिए कलेक्ट करना, एप्लीकेशन पूल्स को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट मीन्स, ठीक है। रिक्रूटमेंट मीन्स, यानी रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? कलेक्टिंग एन एप्लीकेशन पूल्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये होता है आपका। और सिलेक्शन ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग इसमें जो है डाउटफुल होंगे सिलेक्शन ऑफ पर्सन में, तो मैं आपको ये बता दूं, सिलेक्शन अपने आप में एक टर्म है, यानी सिलेक्शन का मतलब आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है। और रिक्रूटमेंट का मतलब अभी आप अंडर प्रोसेसिंग है, यानी कलेक्टिंग एन एप्लीकेशन पूल। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। इंडक्शन इज द टर्म रिलेटेड टू, देखिए इंडक्शन एक ऐसा टर्म है, किससे रिलेटेड है? तो इंडक्शन इज अ टर्म रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन या रिम्यूनरेशन। द राइट आंसर इज इंट्रोडक्शन। जब भी आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, बड़ी फार्मेसी में जाएंगे, तो वो लोग आपका इंडक्शन कराते हैं। इंडक्शन का मतलब आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन से कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, ये सब सारी चीज़ें एक दूसरे को जो है इंट्रोड्यूस कराना ही कहलाता है इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलें। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। द फॉर्म ऑफ चेक फॉर विच वी कैन नॉट गेट कैश इन हैंड इज, देखिए ऐसा चेक, ऐसे चेक का प्रकार जिसमें आप जो है कैश को अपने हाथों में डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। भाई आप चेक लेकर के गए और उस चेक पे आपको डायरेक्ट जो है कैश आप इन हैंड जो है नहीं दिया जाएगा, तो कौन सा चेक होता है? बेरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस्ड चेक या नॉन? द राइट आंसर इज क्रॉस्ड चेक। अगर आपका चेक क्रॉस्ड चेक हो गया है तो उसमें आपको जो पैसा है वो आपके हाथ में नहीं मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। वी कैन नॉट गेट कैश इन हैंड, हम कैश को अपने हाथों में सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं,
क्रॉस्ड चेक में। द फंड्स इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म इज, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा फंड जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कि फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल्स, नॉन या बोथ। द राइट आंसर इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल ऐसा फंड होता है जिसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है लंबे समय के लिए, तो द फंड इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म इज फिक्स्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। इफ अ कंपनी सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, देखिए अगर किसी भी कंपनी की सेल जो है वो गुड्स है, कंपनी सेल्स गुड्स, सॉरी, इफ अ कंपनी सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर कोई भी कंपनी, गुड्स का मतलब सामान, कि कोई भी कंपनी क्रेडिट पे सामान बेचती है तो इसका मतलब क्या है, इन स्टेटमेंट क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट या कस्टमर एडवांस। इफ अ कंपनी सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, यदि कोई कंपनी सेल करता है अपना सामान, अपना गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे, तो इसको क्या कहा जाएगा या कौन सा क्रेडिट होगा। द राइट आंसर इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट, इफ अ कंपनी सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, यदि कोई भी कंपनी अपने गुड्स को क्रेडिट पे जो है सेल कर रही है तो इसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। अ पर्सन हु ओज अस समथिंग इज, देखिए अ पर्सन हु ओज अस समथिंग इज, आपके सामने चार ऑप्शन है, डेप्टर, क्रेडिटर, टर्नओवर या अकाउंटिंग। द राइट आंसर इज डेप्टर। अ पर्सन हु ओज अस समथिंग इज डेप्टर, सीधे सीधे रटना है, अ पर्सन हु ओज अस समथिंग इज डेप्टर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। विच वन इज द काइंड ऑफ कैश बुक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्नल कैश बुक, लेजर कैश बुक, पिटी कैश बुक या ट्रेडिंग कैश बुक। द राइट आंसर इज पिटी कैश बुक। विच वन इज द काइंड ऑफ कैश बुक, इनमें से कौन सा एक कैश बुक का प्रकार है, तो आ जाएगा पिटी कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स, देखिए क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा, जाकर के एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनसोल्ड स्टॉक या सोल्ड स्टॉक। द राइट आंसर इज अनसोल्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जाकर के अनसोल्ड स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो अनसोल्ड हो, जो बिका हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा, जाकर के अनसोल्ड स्टॉक। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। फार्मूला ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो, अगर आपसे कह दिया जाए कि फार्मूला क्या होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या एक्सटर्नल इक्विटी टोटल एसेट्स इंटरनल इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी या इंटरनल इक्विटी टोटल एसेट्स एक्सटर्नल इक्विटी। तो द राइट आंसर इज एक्सटर्नल इक्विटी टोटल एसेट्स इंटरनल इक्विटी। ठीक है, तो फार्मूला ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या हो जाएगा, जाकर के एक्सटर्नल इक्विटी टोटल एसेट्स इंटरनल इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज, देखिए जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर है वो क्या होता है, बजटिंग मैनुअल, लिमिटिंग फैक्टर, टाइम फैक्टर या पर्सनल फैक्टर। तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होता है, प्रिंसिपल बजट फैक्टर, देखिए जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता है वो आपका राइट आंसर होगा जाकर के लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर, प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज अ लिमिटिंग फैक्टर। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स आर रिफर्ड टू एज, देखिए जो टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स होते हैं उनको किस तरीके से जो है रिफर किया जाता है, या किस सेंस में जो है होते हैं, किस तरीके के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, परमानेंट अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल किन अकाउंट्स को कहा जाता है, द राइट आंसर इज रियल अकाउंट। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स आर रिफर्ड टू एज रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज, देखिए एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है फ्रॉम जर्नल, जर्नल से लेजर में, इसको क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग, एंट्रिंग, पोस्टिंग, ट्रेडिंग। द राइट आंसर इज पोस्टिंग। ठीक है, तो एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जो एंट्री हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शन की फ्रॉम जर्नल यानी जर्नल से लेजर में, इसको कह देते हैं पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। देखिए कहीं से मिसप्रिंट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 है ये। और विच वन इज अ प्राइवेट बैंक, देखिए इसमें तो ये आप लोग जानते ही होंगे, केनरा है, देना है, सिंडिकेट है, यस है। तो द राइट आंसर इज यस बैंक। ठीक है, अब तो सारी बैंकें ही मोस्टली प्राइवेट हैं। तो ट्रेडिंग कंपोनेंट्स डू नॉट इन्वॉल्व, देखिए ट्रेडिंग कंपोनेंट्स में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, चार ऑप्शन आपके सामने, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस या मैनेजिंग। द राइट आंसर इज मैनेजिंग। तो ट्रेडिंग कंपोनेंट्स, जो ट्रेडिंग के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है मैनेजिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग कंपोनेंट्स डू नॉट इन्वॉल्व मैनेजिंग। 27 नंबर पे चलेंगे। इफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट देन डिसोल्यूशन इज बाय, देखिए अगर
फर्म के सारे पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट घोषित हो जाएं, यानी दिवालिया घोषित हो जाएं, तो जो डिसोल्यूशन होता है वो क्या कंसेंट होता है, कंपल्सन होता है, नोटिस होता है कोर्ट ऑर्डर पे। द राइट आंसर इज कंपल्सन इफ़ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म के अगर सारे पार्टनर्स जो हैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो जाएं, यानी उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो जो डिसोल्यूशन होता है उस फर्म का वो कंपल्सन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे। ये जो है आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इंटरनल ट्रेड इन्वॉल्व्स, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होगा जाकर के होल सेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड या बोथ ए एंड बी। तो द राइट आंसर इज इंटरनल ट्रेड का मतलब होगा जाकर के होल सेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, यानी द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होगा जाकर के होल सेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। 29 नंबर पे चलेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व। देखिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, ऑल ऑफ द एबव। द राइट आंसर इज ऑल द एबव, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, वो सोशल भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है और ह्यूमैनिटी के लिए भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीईडी का फुल फॉर्म क्या होगा जाकर के, यूपी एनएचएम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं डीएसबीएम से, वीईडी एबीसी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, इस तरीके से जो है आपसे पूछ लिया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा जाकर के, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, वेरी एसेंशियल एंड डिजायरेबल, वेरी इकोनॉमिक ड्रग, वाइटल एंड एसेंशियल ड्रग। तो द राइट आंसर इज वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ठीक है, वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो वेड का फुल फॉर्म हो गया वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो फार्मासिस्ट की क्वेश्चन पेपर हैं, जो इनके क्वेश्चंस की सीरीज है, चाहे वो वन लाइनर हो चाहे वो एमसीक्यूज हो, आपके लिए लाते रहते हैं। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंटेड फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है उसके बारे में भी अपडेट कराते हैं। तो करना आपको इतना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।